यूपी के फतेहपुर में शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप की घटना सामने आई है। आपको बता दें, जिले के थारिया थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने एक रिटायर्ड शिक्षक के ऊपर शादी का झांसा देकर रेप की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने कई बार एसपी ऑफिस से लेकर महिला थाने का चक्कर काट चुकी, लेकिन महिला को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। लेकिन एसपी के निर्देश पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, थरियाव थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला शहर में किराए के कमरे में रहकर एनएम की पढ़ाई कर रही थी, जिसके बाद रिटायर्ड शिक्षक ने महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दे डाला और पूरे घटनाक्रम का शिक्षक ने वीडियो बना लिया। पुलिस से शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। इतना ही नहीं, महिला का कई बार अबॉर्शन भी कराया जा चुका है। वो मेरे साथ यानी कह रहा था कि मेरा घर पक्के तालाब में है, आप वहाँ रहिएगा, किराए से ना रहिएगा। उसने बहला फुसला कर मुझसे ऐसी हरकत की है। कह रहा था ना मेरी पत्नी है ना मेरे बच्चे, उसको झांसा में लेकर मेरे साथ। महिला ने इस बारे में शिकायत जिले के अधिकारियों से कई बार की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मामला बढ़ता देख एसपी के निर्देश पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक शादीशुदा महिला के द्वारा एक सेवानिवृत्त शिक्षक के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उनके द्वारा शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। इस संबंध में महिला थाने पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य संग्रहण के पश्चात दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।